प्लास्टिक के चावल। मैं आपको बता दूं कि असली नकली सिर्फ चावल ही नहीं बल्कि असली नकली आपको एक ऐसी चीज दिखाता हूं जिसको बोलते हैं लहसुन। आप सोच रहे होंगे कि लहसुन में भी असली नकली कब से होने लगा, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा ताकि आप सब खरीदने से पहले और खरीद लिए हैं तो खाने से पहले आपको जान सके कि आपके लायक है या नहीं है। इसके अलावा मैं एक चीज आपको और दिखाने वाला हूँ, कहाँ ये रखा हुआ है, इसका नाम है फ्रूट स्नैक। नाम से ऐसा लग रहा है कि जैसे कि फ्रूट स्नैक, मतलब इसमें जो भी कलर पड़े हुए हैं फ्रूट से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इसमें भी नकली कलर मिला हुआ है। ओके, तो आइए जो है एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चावल की। तो चावल को हम आपको वीडियो बनाने के लिए मैंने आपको कुछ और चावल लेके आए थे। ये हमारे पास चावल है ब्राउन राइस, ठीक है, यहाँ से हटा देते हैं इसको। ये देखिए हमारे पास ये ब्राउन राइस है। इसके अलावा इसको हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है, इसमें डाल दिया। और हमारे पास एक और राइस है, इसको बोलते हैं जैस्मिन राइस, ठीक है। ये देखिए ये है जैस्मिन राइस। और जैस्मिन राइस खरीदने का मेरा एक ही मकसद था ताकि मैं आपको बता सकूं कि असली और नकली चावल को कैसे पहचानेंगे। पहचाने का जो सबसे तरीका नंबर वन है, जो असली चावल होता है वो कभी एक शेप या साइज में नहीं होता है। वो जो टूटे होंगे, फटे होंगे, छोटे होंगे, बड़े होंगे, मोटे होंगे, पतले होंगे, वगैरह वगैरह। और साथ में देखिए ये जो है टूटा हुआ है, ये भी टूटा हुआ है, वगैरह वगैरह। इस चावल के ऊपर बहुत आसानी से आप देखे जा सकते हैं कि चावल के ऊपर एक पतले से लेयर, कई समानांतर लेयर बने हुए हैं। ये सिर्फ असली चावल में होता है, लेकिन अगर आप उसी चावल को अगर आप प्रोसेस कर देते हैं तो वो लाइन भी खत्म हो जाती है। इस वजह से जो है ये चावल असली और नकली पहचानने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी हमारे हाथ में जो सब चावल देख रहे हैं सब असली है। अभी इस असली को हम नकली बनाते हैं। सबसे पहले मैंने जो इस वीडियो बनाने के लिए मैंने मार्केट में बहुत से नकली चावल खरीदने का प्रयास किया, मुझे कहीं नहीं मिला। मुझे एक ऐसे देश से प्राप्त हुआ, उस देश का नाम मैं बताना नहीं चाहता हूँ, आप खुद से समझ जाइए किस देश से मिला होगा। ओके, जो है कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमारे हाथ में, कुछ नकली प्लास्टिक के चावल हैं जो किस तरह से देख रहे हैं। देखिए इसका आकार प्रकार सब एक जैसा है और सब चमक रहे उतने ही प्रकार से हैं। इसमें किसी भी प्रकार का उसके सरफेस के ऊपर किसी प्रकार का धारीदार लाइनिंग नहीं है, देख रहे हैं, बहुत क्लीन है। असली नकली पहचानने के लिए दूसरा जो तरीका है, उसमें जो है थोड़ा सा पानी ले लीजिए एक किसी कप में और उसमें डाल दीजिए चावल को। जैसे हमारे पास ये चावल है और हमने चावल को इसमें डाल दिया, ठीक है, और डालते ही आप देख रहे हैं इसे, तो ऊपर से दिखाना जरा, ऊपर से आप देखते हैं देखो ऊपर कोई भी चावल ऊपर से तैर नहीं रहा, सब नीचे बैठ गया है, ठीक है। हम बात करते हैं इस चावल की, अब ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कुछ चावल अभी भी ऊपर तैर रहे हैं। क्लोजअप लिया जरा, ये आप देख सकते हैं कुछ चावल अभी भी ऊपर तैर रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो नकली या प्लास्टिक के जो चावल होते हैं हमेशा थोड़ा सा हल्के होते हैं। जब हल्के होते हैं हम वो पानी में ऊपर तैरते रहते हैं। और हम इसको मिक्स करते हैं और फिर देखते हैं मिक्स करने के बाद इसका कोई इफेक्ट आता है कि नहीं। मिक्स करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे बाएं हाथ का जो कलर है थोड़ा सा डार्क दिखाई दे रहा है मुझे, पता नहीं आपको कैमरे में ऐसा दिखाई दे रहा है कि नहीं। इसमें हम मिक्स करते हैं, देखते हैं मिक्स करने के बाद जो प्लास्टिक के चावल ऊपर आते हैं कि नहीं। तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि प्लास्टिक के चावल भी ऊपर आ रहा है कोई, तो कहने मतलब है ये देखिए अभी आया था चला गया, इसका मतलब कि धोखा, पूरा धोखा है। हाँ, इसका मतलब यह हुआ कि प्लास्टिक के चावल को भी अगर पानी में मिला दे तो उसको पहचानना बहुत ही मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब हम अगला टेस्ट करने जा रहे हैं, इसको दोनों को पकाने जा रहे हैं। पकाने के लिए हमने इसको माइक्रोवेव में रख देते हैं यहाँ पे, और जब तक वो चावल पक रहा है तब तक मैं आपको जो है बताने जा रहा हूँ लहसुन के बारे में। अच्छा हाँ, एक चीज मैंने आपको बताना भूल ही गया, ये है, ये चावल होके भी चावल नहीं है, इसका नाम है ओरजो। और ये एक ऐसा चावल है जो कि खुले आम बोलता है मैं नकली बेच रहा हूँ, खाना हो खाओ, ना खाना मत खाओ, फिर भी लोग दुनिया बहुत चाव से खाती है, बनाती है और बेचती है और आप खरीदते भी हैं। इसको बोलते हैं राइस पास्ता, इसीलिए इसको बोलते हैं रिफाइंड, मतलब एक बार फाइन कर दिया जाता है फिर इसको रिफाइन किया जाता है ताकि और पतला हो जाए। जैसे आप गेहूं को कितना भी पीसेंगे लेकिन थोड़ा सा ब्राउन कलर जरूर दिखता है। मैं आपको गेहूं का कलर पहले दिखा देता हूं, ये देखिए गेहूं का आटा है ये, और इसके और इसमें देखिए दोनों गेहूं से बने हुए हैं। इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन है, इसका कलर थोड़ा सा व्हाइट है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें डाला गया है ब्लीच। अब ये जो हमारे पास ये हमारे बाएं हाथ में आप देख रहे हैं ये चावल जो है मैदे से बना हुआ है, तो यही एक ऐसा चावल है जो मार्केट में बोलता भैया कि चावल नहीं ये पास्ता, फिर भी और लोग खरीदते हैं, चावल बनाते हैं, इसको खाते हैं, कोई बुराई नहीं है। मेरा आपको बताने से इतना मकसद था, कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं जो आपको नहीं खाना फिर भी आपको खाना पड़ता है, जैसे शादी में, विवाह में, हमारे कैफेटेरिया में हफ्ते में एक बार, महीने में दो तीन बार कभी कभी ऐसा होता है चावल की जगह इसी को उबाल कर रखा रहता है और आपको लगता है कि, और आपको पता है, आपको उस समय इतना भीड़ भाड़ लगी रहती है आपको पता नहीं चलता है कि ये चावल है कि पास्ता है, तो आप जल्दी जल्दी में उठा लेते हो, आप खा लेते हो।
खा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी अगर आपके पास एलर्जी है, अगर आपके पास पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो आपको इस तरह से नॉन फाइबर चीजें खाने से आपके पेट में और खराबी हो सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैसे गेहूं के कलर का जो ब्राउन कलर होता है उसको ब्लीच करके व्हाइट कर दिया जाता है, तो कलर से याद आया मैं आपको कलर के बारे में। आप कुछ ऐसे फूड होते हैं जो आपको लगता है कि ये जो है नेचुरल फ्रूट्स के बने होते हैं कलर, जबकि नेचुरल होते नहीं, जैसे कि आप नाम से देख रहे हैं फ्रूट लूप्स। और कंपनी वाले देखिए बहुत ईमानदार भी होते हैं, क्योंकि उनको लिखना पड़ता है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कलर के बारे में, रेड 40, येलो 5, ब्लू 1, येलो 6। जब और इसमें भी मैं दिखा देता हूँ, टर्मेरिक पड़ा हुआ है, चलो चलो अच्छी बात है, इसे लिखा है रेड 40, ब्लू 1। और मैं आप चीटोस बहुत चटक चटक करके खाए होंगे, चीटोस का भी दिखा देता हूँ, कलर येलो 6, रेड 40, ब्लू 1, येलो 6 है क्या। पेट्रोलियम पदार्थ जब भी जो है कच्चा पदार्थ करके रिफाइन करके पेट्रोल बनाए जाते हैं, तो उसमें ढेर सारे कचरा निकलता है। जब वो कचरा निकलता है तो उसमें बहुत प्रकार के डाई होते हैं, तो डाई आप तो जानते हैं, उसको पिगमेंट बोला जाता है। लाल वाले मिला दिया इस वाले फ्रूट लूप्स में, आपको कहेंगे सब किसी फ्रूट से, या देखिए छपा हुआ भी है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे लगा है स्ट्रॉबेरी, ऐसा लगेगा आपको इसको खाने के बाद। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको देखने से ऐसा लगेगा कि आप जो है फ्रूट लूप्स खा रहे हैं, फ्रूट्स का कलर खा रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये देखिए, ये आपको लगेगा कि ये आपको स्ट्रॉबेरी खा रहे हैं, ये आपको लगेगा कि ये जो है कैरेट, कैरेट का बना हुआ है, ये ब्राउन, ये वाला ब्लू वाला ब्राउन वाला ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये ब्लूबेरी से मिलके बना हुआ है कलर, जबकि ऐसा नहीं है। अब हम बात करते हैं ब्लू कलर का। ये देखिए, जो मैंने आपको ये जो येलो कलर है और रेड कलर है, ठीक है, ये येलो और रेड कलर जो है, ये जो है पेट्रोलियम पदार्थ से निकाला जाता है। इसके अलावा जो ये ब्लू है, ये जो है कोयले के खदान से निकाला जाता है ब्लू कलर। तो अब हम आपको बता दें इसको खाने से नुकसान क्या है। इसका नुकसान, इसका खाने से वही नुकसान है जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। एक मिनट में कोल्ड ड्रिंक भी दिखा देता हूँ। ये है हमारे पास कोल्ड ड्रिंक, इस कोल्ड ड्रिंक में जो डाई पड़ा है वही डाई इसमें भी है। अंतर सिर्फ इतना है कि ये डाई को चीनी को बहुत देर तक पकाओ 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 काला हो जाता है, और उसी काले कलर को इसमें कलर में यूज किया जाता है, जिसमें एक प्रकार का कैंसेरियस सब्सटेंस बनता है जिसको बोलते हैं बेंजीन। इसके पीने से जो नुकसान होगा, इसके पिगमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, वही नुकसान ये भी खाने से होगा, वही नुकसान आपको चीटोस खाने से होगा, वही खाने से आपको ये भी होगा। अब हम बात करते हैं लहसुन की, ठीक है। अब इसको मैं हटा देता हूँ, अभी मैं इसको भी पका के दिखाऊंगा। अब मैं आपकी बात करता हूँ लहसुन की। लहसुन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी मैंने एक वीडियो बनाया था लाबा लहसुन, ठीक है, और उसमें बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला। उस वीडियो में मैंने हल्का सा बोला भी था कि मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो वो दिन है, आज का दिन है, मैंने सोचा आपको मैं वीडियो बना के दिखाई देता हूँ। आप हमारे हाथ में देख सकते हैं कई प्रकार के लहसुन है, आपको देखने से लग रहा हो सब असली है, लेकिन मैं इसमें भी वही लोचा है जैसा कि मैंने आपको चावल में दिखाया, जैसा कि मैंने आपको फ्रूट लूप्स में दिखाया। मैं इस समय अमेरिका में हूँ, जहाँ पे जितने भी लहसुन होते हैं ज्यादातर बाहर से आते हैं या फिर कैलिफोर्निया से आते हैं। जो बाहर से आते हैं ज्यादातर चाइना से आते हैं, ठीक है। चाइना वाले क्या करते हैं कि आपको चाइना के लहसुन में और अमेरिका के लहसुन में आपको अंतर कैसे पता करना होगा, कि आप कैसे जानोगे, जो चाइना के लहसुन होते हैं उसमें जो है जड़ नहीं होते हैं। आप देख सकते हैं जड़, इसमें जड़ नहीं होता है, और जो अमेरिका के लहसुन है इसमें इस प्रकार से जड़ होते हैं। अब समस्या होती है कि चाइनीज लहसुन वाले अपना इसमें से जड़ निकाल क्यों देते हैं। उसका मेन कारण यह है कि इसके जड़ में जो भी मिट्टी लगी होती है, उस मिट्टी में पाए जाते हैं कई प्रकार के ऐसे जो हानिकारक होते हैं, और उससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि किस प्रकार की मिट्टी में उगाया गया है। जितने भी पैखाने होते हैं, जितने भी सीवर बोलते हैं ना, सीवर का जो पानी होता है वही सीवर के पानी में उगाया जाता है लहसुन। अब आप सोच रहे होंगे सीवर में ऐसा क्या है, तो सीवर में क्या होता है कि उनके वहाँ की मिट्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है आर्सेनिक, लेड, जो हमारे आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। इसीलिए जो है अमेरिकन जितने भी चाइनीज लहसुन होते हैं यहाँ से जड़ काट के निकाल दिया जाता है। दूसरा चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे कि मान लो देखिए, ये है अमेरिकन लहसुन हमारे हाथ में, और इसमें आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत कलर सा पड़ा हुआ है, देखिए पर्पल कलर का है ना थोड़ा सा। और जो चाइनीज लहसुन होते हैं इसमें आप बहुत सफेद देखोगे, आप बहुत क्लीन, नाइस एंड क्लीन, जो देखने बड़ा अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि इसको ट्रीट किया जाता है ब्लीच से, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आटे को ब्लीच कर दीजिए तो उसमें से जो है सफ़ेद हो जाते हैं, बाद में मैदा में कन्वर्ट हो जाता है। उसी प्रकार से वहाँ के लहसुन को एक्सपोर्ट करने से पहले इसको ब्लीच कर दिया जाता है, ताकि आपको को बहुत अच्छे से दिखे आए, बहुत देखने में अच्छा लगे। ब्लीच आपको नहीं खाना चाहिए, आपको पता ही है, इसके बारे में मैं कभी अलग से वीडियो बना दूंगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि चलो मान लो लहसुन तो आप तो देख के खरीद लोगे, पहचान लोगे आप कौन अच्छा कौन खराब,
अगर आपका लहसुन अगर इस प्रकार का है तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आप इस प्रकार के लहसुन को कभी खरीदोगे? उसका उत्तर है नहीं। कभी भी कटे हुए स्लाइस्ड स्टोरेज इस तरह से रख काट के पहले से बेचा जा रहा है तो ऐसे लहसुन को आप कभी ना खरीदें। ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए लाया था। अरे सर तो खुल नहीं रहा, नकली है शायद इसलिए नहीं खुल रहा है। ओह माय गॉड, खुल गया। ओके, जो भी है ये जो है पतले पतले ऐसे उसको काट करके स्लाइस कर दिया गया, इसको पानी में भर के बेचा जाता है। ये देखिए लिखा है पैक्ड इन USA, ठीक है, कहने का मतलब है कि पैक्ड हुआ USA में, बना लहसुन कहाँ से आया ये नहीं लिखा है इसमें। खुल जा सिंसिन, शायद भगवान चाहते हैं कि हम नकली लहसुन ना खाएं। जो भी है, अब हम बात करते हैं टेस्ट की। अब हम वीडियो में टेस्ट तो करके हम दिखा नहीं सकते, लेकिन जब भी इसका टेस्ट खाएंगे तो जैसे कि आप जानते हैं कि लहसुन का टेस्ट बहुत स्ट्रांग होता है, तो जो चाइनीज जो लहसुन होते हैं उसका बहुत वीक होता है। अगर आपको एक लहसुन का एक आड़ा इसमें डालेंगे सब्जी में तो इसको आपको दो डालना पड़ेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ चावल असली और नकली चावल पहचानने का तीसरा तरीका। ओके, तो आप इसमें क्लियरली रूप से देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो नकली चावल है वो इसमें है, ठीक है, और जो असली चावल है इसमें है। आप देखते हैं नकली चावल कभी हाइट में ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो प्लास्टिक का है, और जो असली चावल है हमेशा हाइट में ऊपर जाएगा क्योंकि वो फूलता रहेगा। ओके, तो हमारे पास ये असली चावल है। ओके, अब इसको जलाते हैं। देखिए काला होता जा रहा है लेकिन जल नहीं रहा है, ठीक है। और अब हम जो है प्लास्टिक के चावल को लेते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि प्लास्टिक के चावल को अगर आप जलाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। इसको जलाने के लिए हमने जो है एक हाथ से इसको पकड़ लिया है और यहाँ से जलाते हैं इसको, और आप देख सकते हैं कि कैसे जो है ये फर्र से जलता चला जा रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से लगता है कि जो जलाने वाला जो टेस्ट है असली और नकली चावल जलाने के लिए बहुत बढ़िया टेस्ट है ये, और वीडियो में तो मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन इसमें इसके प्लास्टिक के चलने की बू बहुत ज़्यादा आ रही है। Alright, हमने जो है दोनों चावल को पका के लेके आए हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि इसकी हाइट थोड़ा ज्यादा है, इसकी हाइट थोड़ा कम है, इसका मतलब जो प्लास्टिक वाला चावल होता है वो थोड़ा कम फूलता है। आप देखते हैं बाहर निकालने के बाद ये कैसा दिखता है, इसको देखते हैं। इसमें आप देखिए इसमें जो असली चावल है इसके अंदर जो है बहुत स्टिकीनेस है, क्योंकि इसमें स्टार्च की मात्रा ज्यादा है, इस वजह से जो है ये गोला बन जा रहा है। और इसमें जो है अभी देखिए उतना अच्छे से गोला नहीं बन पा रहा, तो ये कि अंतर ये भी है। ओके, तो इस तरीके से हमने जो है दोनों का हमने गोला बना लिया है। अगर ये प्लास्टिक का बना हुआ तो जंप ज्यादा करेगा, अगर प्लास्टिक का नहीं बना तो जंप कम करेगा। हम दोनों को, अरे हाँ मेरे ड्रेस में मत जाइएगा, जब तक आप वीडियो देख रहे तब तक मैं गया ताइक्वांडो करके वापस आ भी गया, और आने के बाद तब तक मेरा चावल ठंडा हो गया था, मैंने आगे का वीडियो आपको बना के दिखा रहा, तो ड्रेस पे मत जाइएगा, ठीक है, कि अचानक से ड्रेस कहाँ से आ गया। ओके, तो अगला टेस्ट जानने के लिए आपको सिर्फ एक फ्राई पैन लेना है, उसमें सारे राइस को इस तरह से डाल देना है और इसको स्लो आंच में गर्म करना है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जो भी प्लास्टिक के चावल हैं इधर चिपक गए हैं गर्म के होने की वजह से, और जो असली चावल हैं वो एक किनारे आ गए हैं। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि जो भी प्लास्टिक के चावल हैं उसमें थोड़ा सा उनका शेप भी बदल रहा है। देखिए ये तिरछा हुआ पड़ा है, ये वाला तिरछा हो गया है, ठीक है, और ये भी देखिए ये वाला भी यहाँ पर भी ये तिरछा हुआ पड़ा है। आप उसके कलर से भी आप जान सकते हो कि जैसे कि हमने गर्म किया था, तो देखिए जो भी रियल वाले राइस हैं वो उसका कलर जो है ब्राउन होता जा रहा है, और जो प्लास्टिक वाले राइस हैं जैसे देखिए ये वाला है, इसका कोई कलर चेंज नहीं हो रहा, ये भी चेंज नहीं हो रहा है, ये भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, ये वाइट का वाइट ही है। आप ये समझ लो कि जब ये प्लास्टिक वाले चावल इतने में पिघल नहीं रहे तो समझ लो कि आपके पेट में जाने के बाद कितना सालों तक टिका रहने वाला है ये। इसकी मेल्टिंग पॉइंट जितना स्ट्रांग होता है वो उतना ज़्यादा टाइम लगता है उसको समाप्त होने में, उसको डिग्रेडेड होने में आपके बॉडी के अंदर। अब ये सब प्लास्टिक जब आपके बॉडी के अंदर जाएंगे धीरे 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 जो है माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। माइक्रो प्लास्टिक का मतलब उसमें छोटे छोटे
उसके कण उसमें से निकल के पार्टिकल निकल करके आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा और सीधे सीधे वो आपके पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, ब्रेन में, किडनी में, हार्ट में, है ना। वो आगे चल के ही जो है कैंसर का रूप भी ले लेगा। अब हम आपको दिखाते हैं पास्ता राइस, ठीक है। ये हमने कुक कर लिया है और हालांकि ये तो चावल से काफी अंतर है, देखने में लग रहा है आपको क्लियरली रूप से। इस वीडियो में पास्ता राइस दिखाने का तात्पर्य सिर्फ इतना था ताकि आप इससे भी अवेयर रहें। और इस तरीके से हमारा वीडियो देखने से अगर आपको इतना सा भी फायदा हुआ हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो 4 लोगों को भेज दें, ऐसे लोगों को जिसको लगता है कि उनको ये वीडियो देखना चाहिए। और वीडियो खत्म करने से पहले मेरा पता नहीं क्यों ये वाला जब हाथ में नहीं लगा था तो नहीं खोल पाए, तब हाथ में लगा है फिसलनदार तो कैसे खुलेगा, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि रात ज्यादा हो गई है। अगर वीडियो एडिट करते करते तक ये खुल गया तो मैं आपको ये वीडियो इसको भी टेस्ट करके दिखाऊंगा। बाय बाय।